भाइयों बहनों, आ विकास ने साथे सुरक्षा एक मोटी महत्वनी बाबत हो आंतरिक सुरक्षा पर एटलू महत्व हो गमे तेटला रूपया हो पर छोकरो सांजे घेर पाछो ना आवे शू काम नु पेला। आज मैं सूरत के लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। ये मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का। गुजरात और सूरत के लोगों की, व्यापारियों की, कारोबारियों की सुरक्षा का विषय। यहां की जो नई पीढ़ी है उसने सूरत में हुए बम धमाके नहीं देखे हैं। यहां जो नई पीढ़ी है उसने अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वो उसने नहीं देखा है। मैं अपने युवाओं को, सूरत के लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क करना चाहता हूं जो आतंकवादियों के हितैषी हैं। आपको याद होगा दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर में देश के खतरनाक आतंकवादी मारे गए थे। उसमें दिल्ली के हमारे एक जांबाज पुलिस अफसर शहीद हुए थे। सारी दुनिया देख रही थी, आतंकवाद की घटना थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। वोट बैंक के भूखे कुछ और दल आज भी बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहने का पाप कर रहे हैं। सत्ता के लिए शॉर्टकट अपनाने वाले ये दल, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये दल आतंकी हमलों के समय चुप्पी साध लेते हैं। वोट बैंक के भूखे दल, तुष्टीकरण करने वाले दल कभी सूरत को, गुजरात को आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रख सकते। सूरत तो व्यापार कारोबार का इतना बड़ा सेंटर है, जहां आतंक होगा, अशांति होगी तो इसका बहुत बड़ा शिकार व्यापार कारोबार भी होगा। जहां आतंक होगा वहां उद्यमी, श्रमिक, मजदूर सब तबाह हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से मेरे नौजवान साथियों, दिल दिमाग से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बहुत मुश्किल से हमने गुजरात को इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाला है, बचा करके रखा है। आज आपसे बात करते हुए मुझे 14 साल पहले हुए मुंबई हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। देश पर हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था, लेकिन इस हमले के बाद कांग्रेस सरकार आतंक के आकाओं पर कार्रवाई करने के बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का लेबल चिपकाने की साजिश कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं वोट बैंक की ऐसी सियासत करने वालों को गुजरात से दूर ही रखना है। आज भाजपा सरकार, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में, आतंकवाद को सख्ती से कुचलने में जुटी हुई है। देश में विकास के लिए, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भाजपा सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है। ये भाजपा की ही सरकार है जो सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला ले सकती है।
ये भाजपा की ही सरकार है जो एयर स्ट्राइक का फैसला ले सकती है। हम आतंकियों को भी नहीं छोड़ते और आतंक के आकाओं को भी घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसी के राह पर चलने वाले और भी दल, एक फैशन हो गई है वोट बैंक की राजनीति की। ये वोट बैंक के भूखे लोग अपीजमेंट की राजनीति करने वाले लोग देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी वोट की लालच में कभी भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते भाइयों। एटला ज माटे सूरतना अमारा जवानियाओने खास कहू छे, क्या बता दी, चेतता रहेजो साथियों। अने जे ताकत तो 2002 थी गुजरात ने नीचू पाड़वा माटे षड्यंत्र करी रही छे, ए नवा नवा रूप में आवती रही छे, एमने ओळखवा जरूरी छे। आ एज लोको छे, गुजरात ने शांति जोईए, एकता जोईए, गुजरात प्रगति करवा मांगे छे, विकास की नवी ऊंचाईओ सर करवा मांगे छे। एना माटे वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकारे गेरंटी पूर्वक पूरू कर्यु छे।